Hey guys, welcome back to Super Duper Hindi. तो बिना कुछ बकवास किए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि why anime not popular in India। इस टॉपिक से रिलेटेड आज हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो अगर आप एनिमे फैन हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एनिमे इंडिया में पॉपुलर नहीं है, इसकी वजह से बहुत से एनिमे शोज इंडिया में आना ही बंद हो गए हैं। इंडिया की टोटल पॉपुलेशन करीब 1.34 बिलियन है एंड द सैड पार्ट इज दैट 2 से लेकर 5% तक के लोग एनिमे को देखना पसंद करते हैं या देखते हैं। बाकी के लोग सोचते हैं कि एनिमे कार्टून जैसा ही है और वो एनिमे को कार्टून ही समझते हैं। आधे ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि एनिमे और कार्टून में फर्क क्या होता है। तो जो लोग भी एनिमे को देखना पसंद करते हैं तो लोग उनको बच्चा समझते हैं और वो सोचते हैं कि ये बच्चा है और ये कार्टून देखता रहता है। और इस वजह से जो लोग एनिमे को देखना चाहते हैं या एनिमे देखना स्टार्ट करते हैं वो लोग इस वजह से एनिमे को नहीं देखते ताकि कोई लोग उनको ना बोल सके कि वो बच्चे हैं। कुछ लोगों को इस बात से फर्क नहीं पड़ता लेकिन कुछ लोगों को इस बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है और वो लोग सोचते हैं कि अगर हम एनिमे को देखेंगे तो उनके दोस्त उनको क्या बोलेंगे। मेरा भी एक फ्रेंड है जिसे पोकेमोन, बेबलेट, डिटेक्टिव कॉयन जैसे शोज देखना पसंद था लेकिन वो लोगों को बताता नहीं था कि उसको ये सब शोज देखना पसंद है क्योंकि वो सोचता था कि अगर वो सबको बताएगा तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। एनिमे लवर्स के लिए पहले एनिमेक्स चैनल आता था लेकिन एशिया में सोनी पिक्चर नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कैंसिल कर दिया इंडिया में क्यों एनिमे इंडिया में पॉपुलर नहीं था। सोनी ने सोचा कि जो शोज एनिमेक्स पे आते हैं वो जैपनीज कार्टून है बिल्कुल उन्हीं की तरह जो लड्डू खाने वाले शोज आते हैं। तो उन लोगों ने सोचा कि जो शोज एनिमेक्स पे आते हैं वो इंग्लिश या जैपनीज में आते हैं तो उन शोज को दिखाने का क्या फायदा, इसलिए उन्होंने एनिमेक्स चैनल को ही बंद कर दिया। एनिमेक्स पे जो शोज आते थे उनकी टीआरपी बहुत ही ज्यादा कम होती थी क्योंकि जो लड्डू खाने वाले शोज थे उनकी टीआरपी बहुत ही ज्यादा होती थी और वो इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए थे और इसी वजह से एनिमेक्स चैनल बंद कर दिया गया। एनिमे इंडिया में इसलिए भी पॉपुलर नहीं है क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ही ज्यादा है, जैसे कि लड्डू खाने वाले शोज, समोसा खाने वाले शोज और दूसरी तरफ मार्वल फैंस जो कि मार्वल के बहुत ही ज्यादा बड़े फैन हैं। जो लोग एनिमे फैन हैं वो लोग इंटरनेट से डाउनलोड करके एपिसोड्स देख लेते हैं लेकिन यहाँ पर पायरेसी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अगर हम सब कुछ इंटरनेट से डाउनलोड करके देखते रहेंगे तो शोज जो आएंगे उन पे टीआरपी इंक्रीज नहीं होगी, इसलिए एनिमे का इंडिया में आना और भी मुश्किल हो गया है क्योंकि हमें सब कुछ इंटरनेट में मिल जाता है। एनिमे के जो मर्चेंडाइज होते हैं वो बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं जैसे कि टॉयज, शूज एक्सेट्रा। एग्जांपल के तुम ऐश का एक एक्शन फिगर ले सकते हो जो कि 3244 का है जो कि दिखने में इतना खास नहीं है लेकिन बहुत ही महंगा है। तो अगर कोई इन प्रोडक्ट्स कोई बाय ही नहीं करेगा तो एनिमे पॉपुलर नहीं हो पाएगा और अगर इनकी डिमांड होगी तभी एनिमे पॉपुलर हो पाएगा इंडिया में। सो अगर एनिमे मर्चेंडाइज पॉपुलर होते हैं इंडिया में तब ही एनिमे कंपनी इंटरेस्टेड होगी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए ताकि एनिमे पॉपुलर हो सके। इंडिया में एनिमे का पॉपुलर ना होने का रीजन एक ये भी है, एजुकेशन सिस्टम एंड पेरेंट्स। यहाँ बच्चे जैसे ही स्कूल जाने के लायक होते हैं बच्चों को एडमिशन स्कूल में करा दिया जाता है और 10th तक तो उनकी अच्छे से ले ली जाती है। उन पर प्रेशर हो जाता है क्लास में टॉप करने का और सुबह से लेकर शाम तक वो ट्यूशंस या स्कूल में पढ़ाई करते रहते हैं और इस बीच उनको टीवी देखने का बिल्कुल टाइम भी नहीं मिलता और अगर वो गलती से टीवी खोल भी लेते हैं तो पेरेंट्स उनमें चिल्लाने लगते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो। सो अगर स्टडी के प्रेशर से वो टीवी नहीं देख पाएगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि एनिमे क्या होता है और वो एनिमे का फैन नहीं हो पाएगा। बहुत से लोग एनिमे को देख लेते हैं लेकिन बहुत से लोग स्टडी के प्रेशर की वजह से एनिमे को नहीं देख पाते या हम बोल सकते हैं वो टीवी देख ही नहीं पाते। मैंने खुद बहुत ही कम एनिमे देखे हैं और मुझे जो लगता था पॉसिबल रीजंस कि एनिमे पॉपुलर क्यों नहीं है इंडिया में वो मैंने आप सबको बता दिया है और अगर आपको कोई और रीजन पता है तो आप मेरे को कमेंट बता सकते हो कि एनिमे पॉपुलर क्यों नहीं है इंडिया में। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप पोकेमोन की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट की हेल्प से देख सकते हो जहां आपको बहुत सी थ्योरीज और टॉप 10 वीडियोस मिल जाएंगी। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो।